beauty parlor and institute. First time in Mumbra multi-speciality beauty parlor and institute. Mumbra ka sabse bada beauty parlor jahan aapko professional or certified beautician dwara hair and skin treatment provide ki jayegi. Aapka beauty parlor and institute special offer buy one get one service free. Rush. Admission started for beautician and makeup artist courses at Aapka Beauty Parlor and Institute, jo ki professional certified training institute hai. Mehndi classes are also available. बच्चा चोरी के शक में तीन महिलाओं को बंधक बनाकर पीटा गया. सूचना पर पहुंची पुलिस के साथ भी हाथापाई हुई और पथराव भी किया गया. मामला गाजियाबाद का है. गाजियाबाद के लोनी इलाके के अशोक विहार कॉलोनी में तीन महिलाओं को बच्चा चोरी के शक में लोगों ने बंधक बना लिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी. जब पुलिस वहां पहुंचकर बंधक बनाई गई महिलाओं को छुड़ाना चाहा तो पुलिस पर भी लोग पत्थरबाजी करने लगे, जिसके बाद अन्य थानों की पुलिस को भी बुलाया गया. इस दौरान पुलिस और जनता के बीच में हाथापाई भी हुई और पुलिस पर पथराव भी किए गए. इस दौरान पुलिस के कई गाड़ियों के कांच भी टूट गए हैं. बहरहाल बंधक बनाई गई तीनों महिलाओं को पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद छुड़ा लिया और इस पूरे मामले की गहन जांच पड़ताल पुलिस कर रही है. अशोक विहार कॉलोनी में आज लगभग डेढ़ घंटा पहले की घटना है, जिसमें तीन महिलाओं को बच्चा चोरी के शक में वहां के जो कुछ लोग निवासी हैं उन लोगों ने उनको बंधक बना लिया था. पुलिस को ऐसी सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और उन लोगों से ये बोला कि आप इनको हमारे हवाले करते ताकि हम इनसे पूछताछ कर सकें. लेकिन लगातार जैसे उनका एटीट्यूड था वो उन्होंने हमारी बात नहीं मानी पुलिस की और पुलिस से अभद्रता भी करने लगे. तो उसी में जब हम लोगों ने और अन्य थानों की फोर्स बुलाई और फिर वहां से उन महिलाओं को जब निकालने का प्रयास किया तो हमारी कुछ गाड़ियों पर उन्होंने पथराव किया, जिससे कुछ गाड़ियों के शीशे टूट गए. कोई भी पुलिसकर्मी अभी हताहत नहीं है इसमें और अब इसमें महिलाओं को हमने वहां से सकुशल निकाल लिया है. उनसे पूछताछ की जा रही है क्या वो इस तरह की घटनाओं में इन्वॉल्व है या नहीं, ये पूछताछ के बाद पता चलेगा. और जिन लोगों ने भी इस तरह का कृत्य किया है उनके विरुद्ध हम मुकदमा पंजीकृत करके कठोर धाराओं में और बहुत ही कठोरतम उनके विरुद्ध हम कार्रवाई